माय लिटिल किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वर्कशीट ग्रेड जूनियर केजी। ओके, टेक आउट योर इंग्लिश वर्कशीट। नाउ लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 1, यूज ग्रीन कलर पेपर एंड मेक कोलाज ऑन पिक्चर ऑफ लेटर ए। अभी यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि लेटर ए की कौन कौन से पिक्चर है, उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, ग्रीन कलर के ग्रीन कलर का पेपर लेना है और उससे कोलाज करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करो, एस इज एलिग्रेटर, एस इज एप्पल एंड एस इज एरोप्लेन। तो ये तीनों पिक्चर जो है वो लेटर ए से रिलेटेड है, तो आपको उसके अंदर क्या करना है बेटा, ग्रीन कलर का पेपर लेना है और उसको कट करना है और ये एलिग्रेटर, एप्पल एंड एरोप्लेन के अंदर स्टिक करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूज येलो कलर पेपर एंड मेक कोलाज ऑन पिक्चर ऑफ लेटर जेड। अभी हमें क्या करना है, येलो कलर का पेपर लेना है और जो लेटर जेड के पिक्चर है उसके ऊपर हमें उससे कोलाज करना है। सो जेड सेज जिगजैग, जेड सेज जिप एंड जेड सेज जीरो। ओके, तो ये तीनों पिक्चर जो है वो लेटर जेड से रिलेटेड है, लेटर जेड से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर कौन से कलर का पेपर लगाओगे, येल्लो कलर का पेपर लेके उससे कोलाज वर्क यहाँ पे ये तीनों पिक्चर के अंदर करना है और ये तीनों पिक्चर के अंदर ग्रीन कलर से कोलाज करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग लेटर्स। ओके, नाउ लुक एट हियर, विच लेटर इज दिस एम। एम के बाद कौन सा लेटर आता है बेटा, एन। कौन सा लेटर आएगा, एन। हाउ टू राइट लेटर एन, स्टैंडिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन, अनदर स्टैंडिंग लाइन, इट्स कॉल्ड लेटर एन। नाउ नेक्स्ट है, विच लेटर इज दिस एक्स। एक्स के बाद कौन सा लेटर आएगा बेटा, मैं यहाँ पे कौन सा लेटर लिखूं, एक्स के बाद वाई। विच लेटर आई राइट हियर, वाई, एक्स वाई, देन वी, विच लेटर इज दिस, विच इज वायोलिन, वा। सो विच लेटर आई राइट हियर, W says water, w. How to write letter W? Slanting line, another slanting line, again and again slanting line. It's called letter W. Okay. Now speak with me. M says mama, N says na, X says x, Y says ya, V says wa, and W says wa. ओके, सो ऐसे ही आपको मिसिंग लेटर्स आपकी वर्कशीट पे लिखने हैं विथ योर गुड हैंड राइटिंग। ओके, नाउ टर्न योर पेज। राइट द लेटर्स। विच लेटर इज दिस, वी। हाउ टू राइट लेटर वी, वी सेज वायोलिन, व। Start red line to end this blue line, okay? Don't write here and there, okay? यहाँ वहाँ कहीं पे भी आपको लिखना नहीं है, okay? पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, slanting and another slanting, it's called letter V. Now next letter W. How to write letter W? It's called letter W. Which letter is this? Letter W. Start this line to end this line. Okay. It's called letter W. W says wa. Okay. Remaining this line, you do at your home. Which letter is this? X. X is Xmas tree. Box.
फॉक्स. ओके सो दिस लेटर इज एक्स. एक्स इज, एक्स का साउंड क्या है? एक्स का साउंड क्या है? ओके सो इट्स कॉल लेटर एक्स. नाउ विच लेटर इज दिस? वाई. हाउ टू राइट लेटर वाई? स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, इट्स कॉल लेटर वाई. स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, इट्स कॉल लेटर वाई. स्मॉल स्लैंटिंग लाइन एंड बिग वन स्लैंटिंग लाइन, इट्स कॉल लेटर वाई. वाई सेज य य. वाई सेज यो यो य य य. स्पीक बेटा, आपको साउंड बोल के ही लिखना है. ओके जैसे मैं साउंड बोल के लिख रही हूँ वैसे ही आप भी साउंड बोल के लिखोगे तो आपको इजीली साउंड और लेटर्स याद रह जाएंगे बेटा. नाउ नेक्स्ट लेटर एम. हाउ टू राइट लेटर एम? लाइक दिस. विच लाइन यू फर्स्ट ड्रॉ? स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, दोनों स्टैंडिंग लाइन एंड डू टू स्लैंटिंग लाइन, इट्स कॉल लेटर एम. एम का साउंड क्या है? म. व्हाट विच इज द साउंड ऑफ लेटर एम? म. एम सेज मैंगो, म म म. एम सेज मैंगो, म म म. ऐसे ही बोल के आपको लिखना है. एम सेज मैट, म म म. नाउ नेक्स्ट विच लेटर इज दिस? एन. हाउ टू राइट लेटर एन? इट्स कॉल लेटर एन. इट्स कॉल लेटर एन. लेटर एन का साउंड क्या है बेटा? न. लेटर एन का साउंड क्या है बेटा? न. एन सेज नोज, न न न. एन सेज नेस्ट, न न न. एन सेज नेट, न न न. आपको जो कोई भी पिक्चर अच्छा लगता है उसका उसका नेम आप बोल सकते हो. ओके रिमेनिंग दिस ऑल लाइन यू डू एट योर होम. मगर कैसे लिखोगे? अच्छे हैंड राइटिंग से, जैसे मैंने लिखा है. कोई भी ये लाइन में नहीं लिखेगा. ओके यहाँ पे लिखोगे तो आपका लेटर रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको ये लाइन में नहीं लिखना है बेटा. यूज ओनली दिस थ्री लाइन. ओके डोंट राइट इन दिस लाइन. ओके ओके नाउ टेक आउट योर ईवीएस वर्कशीट. अभी हमें इसमें क्या करना है? ईवीएस की वर्कशीट में हमें क्या करना है? लुक एट हियर. ओके क्वेश्चन नंबर वन, लुक एट द पिक्चर्स एंड ड्रॉ और पेस्ट मिसिंग ऑब्जेक्ट इन गिवन पिक्चर. ओके यहाँ पे ये तीन स्कूल के रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे मैंने स्टिक किए हैं, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो, ये बॉय एंड गर्ल बेंचेस के ऊपर क्या कर रहे हैं? कुछ लिख रहे हैं. तो उसको लिखने के लिए किसकी जरूरत होगी? बुक की. तो हमें यहाँ पे एक बुक ड्रॉ करनी है. अच्छे से करना है आपको. ओके अब आपकी मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो. ओके आपको ऐसे बुक ड्रॉ करनी है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट है, ये बॉय स्कूल जा रहा है मगर उसके पास बैग नहीं है, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन में आपको बैग दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? ये बैग यहाँ पे ड्रॉ करनी है. कैसे बैग ड्रॉ करोगे? ओके ऐसे ही आपको भी बैग ड्रॉ कर देनी है. ओके आपको जैसा आए वैसा ही ड्रॉ करना है बेटा. ऐसा नहीं है कि मैडम ने जैसा ड्रॉ किया वैसा ही आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पे ये बॉय स्कूल में, स्कूल क्या कर रहा है? ब्रश से कुछ पेंट कर रहा है. तो हमें यहाँ पे उसको क्या देना होगा? व्हाइट बोर्ड. ओके ये यहाँ पे पेपर स्टिक करके ये कलर करेगा, तो हमें ये बोर्ड यहाँ पे ड्रॉ करना है. ओके ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है. ओके बेटा देखो, आपको भी ऐसा नहीं तो फिर आपकी मम्मी पापा हेल्प करेंगे, वैसा ही आपको कुछ ड्रॉ करना है यहाँ पे. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू.
draw or paste the things you are using in the school. Draw or paste the things you are using in the school. हमारे पास अभी हमें क्या करना है, स्कूल में आप कौन कौन सी चीजें यूज करते हो उसका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है या तो फिर पेस्ट करना है. ओके तो हम स्कूल में इरेजर, शार्पनर, मैडम यूज करते हैं, चॉक, तो फिर आपको ये सब चीजें आपको यहाँ पे ड्रॉ या पेस्ट करनी है. आपको पेंसिल ड्रॉ करना है तो पेंसिल ड्रॉ करना, इरेजर ड्रॉ करना आता है तो आप इरेजर ड्रॉ करना. ओके जो भी आपको ड्रॉ करना आता है वो ड्रॉ करना बेटा, या तो फिर स्टिक कर देना आप उसके उसके ऊपर. ओके बेटा नाउ टर्न योर पेज. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द मिसिंग पार्ट्स. ड्रॉ द मिसिंग पार्ट्स. अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, फर्स्ट यहाँ से ट्राई करते हैं कि ये ट्री दिया हुआ है, ये ट्री के अंदर ये नहीं ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना है. ओके वेरी गुड, ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे बेटा. ओके वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे ये पिक्चर के अंदर ग्रास है, तो ये पिक्चर के अंदर ग्रास नहीं है, तो हमें यहाँ पे ऐसे करके ग्रास ड्रॉ करनी है. आपको जैसी भी ग्रास आए आप ड्रॉ कर सकते हो बेटा, मैडम ने अच्छे से की है, मगर आपको जैसी भी आए वैसी ग्रास आपको ड्रॉ करनी है उस. ओके ग्रास के ऊपर बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई के इस साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिक्स डॉट दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं. ओके नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो जिराफ के अंदर ये उसकी टेल नहीं ड्रॉ की है, तो आपको भी ऐसी एक टेल ड्रॉ कर देनी है. ओके वेरी गुड. यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है मगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपको सर्कल ड्रॉ करना है. ओके ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो आपका ये पूरा पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डीप योर हैंड इन वाटर वाटर कलर एंड पेंट इट. ओके अभी क्या करना है आपको, आपके दोनों हैंड को लेना है, यानी एक हैंड को लेके आपको यहाँ पे ऐसे पेंट पेस्ट कर देना है. आपका छोटा हैंड है तो इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे पेस्ट कर देना है, और ये वाली हैंड का पिक्चर यानी ये वाली हैंड का हैंड प्रिंट से सिर्फ फेस ड्रॉ करना है और लेग्स ड्रॉ कर देने हैं. ओके और इस साइड पे ऐसे हम आपको हैंड प्रिंट करना है, और यहाँ पे उसका फेस बना के यहाँ पे थोड़े से सीड्स और उसके लेग्स, ऐसे आपको ये पिक्चर भी कंप्लीट कर देना है. ओके आप ये जब हैंड प्रिंट करो तब आपको क्या करना है पता है आपको बेटा, थोड़ा सा ग्लू डाल दोगे हैंड प्रिंट यानी कलर के अंदर, तो फिर आपका जो कलर है वो नहीं निकलता बेटा. आप वैसे करोगे तो आपका कलर वैसे का वैसा ही रहेगा. ओके आप कुमकुम यूज कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा वाटर एंड थोड़ा सा ग्लू डाल देना, वो नहीं निकलेगा बेटा. ओके दिस ऑल एक्टिविटी यू डू एट योर होम. बाय. थैंक यू एंड सेफ एट योर होम बेटा.